हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मार्टी नसीम में। फ्रेंड्स, अगर आप भी जियो के रिटेलर हैं और जियो फ़ोन सेल करने की सोच रहे हैं तो आज की वीडियो आप पूरी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं अपने सभी रिटेलर भाइयों को अपना ओपिनियन दूंगा, ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा कि जियो फ़ोन सेल करने से आपको फ़ायदा होगा या नुकसान। अगर फ़ायदा होगा तो कितना होगा, कैसे होगा, और अगर नुकसान होगा तो क्या होगा और किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। अगर आप जियो फ़ोन सेल करने की सोच रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि हाल ही में जियो फ़ोन के जो रिज़ल्ट आए हैं वो मुझे चौंकाने वाले लगे, और चौंकाने वाले के साथ साथ मुझे लगा कि मैं अपने रिटेलर भाइयों को इसके बारे में इन्फॉर्म करूँ, क्योंकि वो भाग्य के नुकसान से बच जाएँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को भी दबा लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानती हैं कि जियो फ़ोन मार्केट में आते ही इसने अनलिमिटेड कॉल वगैरह इसका वादा करते हुए अपने सभी रिटेलर और अपने कस्टमर को आकर्षित करने की कोशिश की है। यानी कि बहुत सारे रिटेलर भाइयों को, अगर आप रिटेलर हैं तो जियो पॉस प्लस पे और डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से बहुत ही नोटिफिकेशन आ रहे थे कि जियो फ़ोन सेल कीजिए, इतना कमीशन मिलेगा, उतना कमीशन मिलेगा, यह प्रोसेस रहेगा, एक साल के लिए कॉल फ्री रहेगी, दो साल के लिए कॉल फ्री रहेगी, और 1499 रुपये में, 1999 रुपये में। तो इसी तरीके के जियो फ़ोन को बेचते वक्त डिस्ट्रीब्यूटर ने वादे किए। लेकिन इसी में हाल ही में आपने देखा होगा और गौर भी किया होगा कि जियो फ़ोन मार्केट में सेल नहीं हो रहे हैं, ना ही इसे कस्टमर परचेज कर रहे हैं। तो इसमें ओपिनियन में अपना क्या देना चाहूँगा कि आपको, कि जैसे कि अगर आप जियो फ़ोन सेल करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि देखो, ये पहले जो पिछले साल जब यह आया था तो पिछले साल इसमें आपको बेचने में फ़ायदा था। तो इस साल जो मैं आपको अपना ओपिनियन अगर बताऊं, अपनी अगर तरफ से सलाह दूं, तो इस साल आपको इसमें कोई ख़ास बेनिफिट नहीं होगा अगर आप जियो फ़ोन सेल करने की सोच रहे हैं तो। दरअसल जियो फ़ोन के जो मार्केट में प्राइस हैं वो इंटरनेट वगैरह इसमें, जैसे कि आप जानते हैं कि इंटरनेट वगैरह इसमें जो रिचार्ज में प्लान में जो रिचार्ज मिल रहा है उसमें 2 GB ही सिर्फ मिल रहा है, सिर्फ अनलिमिटेड कॉल ही इसमें दी जा रही है 1499 रुपये। प्लस इसमें अभी हाल ही में रिचार्ज के चेंजेस हो गए, यानी कि पहले जो 1500 रुपये में मोबाइल और कॉल का वादा किया जा रहा था वो बदल दिया गया। यानी कि इसमें अगर आप एक साल के लिए आपको कॉल चाहिए या 2 साल के लिए कॉल चाहिए तो आपको 625 रुपये का रिचार्ज अलग से कराना पड़ेगा, यानी कि इसके प्राइस 1500 ज़्यादा हो गए, 1500 से ज़्यादा हो गए। 1500 में अनलिमिटेड आपको कॉल नहीं मिलने वाली, ना ही उसमें नेट मिलेगा। अगर आप 2000 रुपये या 2100 रुपये पे भी कर रहा है कस्टमर, तो उसमें कस्टमर को नेट नहीं मिल रहा जिसकी वो ज़रूरत होती है। आज के वक्त में नेट की ही ज़रूरत है, सभी कस्टमर नेट चलाना चाहते हैं, क्या है वो 2G वाले हों या 4G वाले हों। तो इसी वजह से ये मैं आपको बताऊँ कि एक तरीके से इनकी स्कीम फेल हो गई है और सभी रिटेलर इससे नुकसान उठा रहे हैं। अगर आप एक रिटेलर हैं और आपने जियो फ़ोन का स्टॉक ले कर रख लिया होगा तो आपको, आप मुझे बता दीजिएगा, और आप अपने, अगर आप जियो फ़ोन का स्टॉक लेने की सोच रहे हैं तो आप अपने पड़ोसी रिटेलर भाइयों से मालूम कीजिएगा या अपने कस्टमर का रिव्यू लीजिएगा कि ये जियो फ़ोन मार्केट में सेल हो भी रहा है या नहीं। अगर आप इसे ख़रीद कर रख लेंगे तो आपका ये फ़ोन सेल नहीं होगा तो आपको इसमें आगे नुकसान ही होगा। तो मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर दिया। वैसे आप जियो फ़ोन अगर आपके कस्टमर बेस है, कस्टमर अगर आपसे डिमांड कर रहा है तो आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से एक आध सेट डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से बिकवा दिए, उसमें आपको 50-60-100 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा। स्टॉक लेकर आप मत रखिएगा, मेरा मशवरा आपको यही रहेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे आज की वीडियो में यही बताना था। वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।